बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो लॉकअप के फर्स्ट सीजन के विनर मुनव्वर फारूकी बने। लॉकअप में रहते हुए मुनव्वर फारूकी ने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि शो को जीतते हुए 30 लाख रुपए और ढेर सारे इनाम भी अपने साथ ले गए। खास बात तो ये है कि लॉकअप जीतने के बाद उनकी किस्मत ही चमक गई है, क्योंकि कंगना रनौत के शो के बाद मुनव्वर फारूकी को लगातार कई रियलिटी शो का ऑफर मिल रहे हैं। जहां मुनव्वर को पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए कंफर्म किया गया था, तो वहीं अब उन्हें बिग बॉस OTT 2 के लिए भी अप्रोच किया गया है। बिग बॉस OTT 2 की ताज़ा खबरों के मुताबिक मुनव्वर फारूकी को करण जौहर के शो बिग बॉस OTT 2 के लिए भी अप्रोच किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। यहां तक कि खुद मुनव्वर फारूकी ने भी अभी तक बिग बॉस OTT 2 को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। आपको बता दें कि लॉकअप जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी ने रोहित शेट्टी के अपकमिंग शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 पर भी चुप्पी तोड़ी है। मुनव्वर फारूकी ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 पर बयान देते हुए कहा, पता नहीं टीम ने बाहर क्या खिचड़ी पकाई है, मुझे वाकई में इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझसे पहले ही पता चल जाएगा। मुनव्वर फारूकी के स्टेटमेंट ने लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। अब खतरों के खिलाड़ी 12 में वो आ रहे हैं या नहीं, इसकी कंफर्मेशन तो अभी नहीं मिल पाई है। आपको क्या लगता है, क्या मुनव्वर शो का पार्ट बनेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।